4 जून को 400 पार। आखिर करे 400 सीटें की बात क्यों कर रहे हैं हम? ये 400 सीटें क्यों? लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह समेत सारे बीजेपी नेता जहां कहीं भी जाते हैं ये नारा बार बार दोहराया जा रहा है। ऐसे में कुछ सवाल उठते हैं, जैसे क्या वास्तव में एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें मिलने जा रही हैं? बीजेपी इतना बड़ा लक्ष्य कैसे हासिल करेगी? मोदी को 400 सीटें क्यों चाहिए? क्या कहते हैं मोदी और क्या कहता है विपक्ष? इन सब सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आज तक एआई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चुनाव को लेकर कुछ सर्वे भी हुए हैं जिनमें अनुमान लगाया गया है कि बीजेपी अकेले 350 तक पहुंचेगी और एनडीए के 400 से कुछ ज्यादा सीटें जीत लेने की उम्मीद है। कहा जा रहा है कि बीजेपी 1984-85 में कांग्रेस पार्टी के 414 लोकसभा सीटों के रिकॉर्ड को तोड़ना चाहती है। ये वो समय था जब इंदिरा गांधी की हत्या से उठी सहानुभूति की लहर से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को रिकॉर्ड तोड़ सीटें मिली थीं। बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि इस बार वो 400 सीटें हासिल कर लेगी, लेकिन ये टारगेट तभी पूरा हो सकता है जब बीजेपी अकेले 370 सीटें जीते। उत्तर भारत में लोकसभा की 242 सीटें हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने इनमें से 183 सीटें जीती थीं। दक्षिण भारत में लोकसभा की 132 सीटें हैं और यहां पिछले चुनाव में बीजेपी को महज 29 सीटें मिली, यानी 103 सीटों पर बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा था। ऐसे में 370 का लक्ष्य बीजेपी के लिए कितना मुश्किल है ये जानने की कोशिश करते हैं। 2019 में बीजेपी अकेले 436 सीटों पर लड़ी थी जिनमें उसे मिली 303 सीटें। इस बार बीजेपी 446 सीटों पर लड़ रही है, यानी पिछली बार से 10 सीट ज्यादा हैं। इनमें भी 367 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी कभी न कभी जीती है, लेकिन 2024 में बीजेपी इन 367 सीटों में 339 पर ही लड़ रही है, यानी पहले जीती हुई 28 सीटों पर बीजेपी नहीं उसके सहयोगी लड़ रहे हैं। 176 सीटें तो ऐसी हैं जहां बीजेपी कभी नहीं जीती। 2024 में बीजेपी इनमें से 106 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। देश के 7 राज्य ऐसे हैं जहां लोकसभा की 87 सीटें हैं। इन्हें साधे बिना बीजेपी के लिए 370 का लक्ष्य हासिल कर पाना संभव नहीं है। दक्षिण की 131 सीटों में बीजेपी के पास अभी केवल 29 सीटें हैं और इनमें से भी 25 अकेले कर्नाटक में हैं। केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं, इनमें से 16 सीटों पर बीजेपी कभी नहीं जीती। तमिलनाडु में 39 सीट हैं, इनमें से 16 सीटों पर बीजेपी को हार मिली। तेलंगाना में 17 सीटें हैं, इनमें 10 सीटों पर बीजेपी ने हमेशा हार का मुंह देखा। ओडिशा में 21 सीट हैं, इनमें से 10 पर बीजेपी कभी नहीं जीती। आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं, यहां 3 सीटों पर बीजेपी हमेशा हारी है। अब अगर उत्तर भारत में बीजेपी की स्थिति देखें तो पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं, इनमें से 10 सीटों पर बीजेपी कभी नहीं जीती। पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं, 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 22 सीटें जीती थीं। इंडिया टुडे मूड ऑफ द नेशन सर्वे के मुताबिक यूपी में भाजपा 70 लोकसभा सीटें जीतती दिख रही है। आंकड़े बता रहे हैं कि उत्तर से लेकर दक्षिण के 7 राज्यों में बीजेपी की स्थिति कमजोर है। पिछली बार कांग्रेस और बीजेपी के अलावा 38 पार्टियां ऐसी थीं जिन्होंने 188 लोकसभा सीटें जीती थीं। इनमें से 51 सीटें जीतने वाले 14 दल इस बार एनडीए का हिस्सा है और 78 सीटें जीतने वाली 16 पार्टियां इंडिया गठबंधन में शामिल हैं। 59 सीटें जीतने वाली 8 पार्टियां किसी गठबंधन में नहीं हैं। दक्षिण भारत की 4 पार्टियां वाईएसआर कांग्रेस, बीआरएस, एआईएमआईएम और एआईएडीएमके अकेले चुनाव लड़ रही हैं, जबकि उत्तर भारत के 4 दल बीजेडी, बीएसपी, एआईयूडीएफ और शिरोमणि अकाली दल किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। अब अगर सवाल ये है कि बीजेपी को 400 सीटें क्यों चाहिए, तो जवाब कई आते हैं। पहले खुद प्रधानमंत्री मोदी से ही सुन लेते हैं कि उन्हें 400 सीटें क्यों चाहिए। वो जगह जगह रैली कर रहे हैं और वहां बता भी रहे हैं कि 400 सीटें क्यों जरूरी हैं। अब पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। विकसित भारत के लिए 400 पार, विकसित आंध्र प्रदेश के लिए
400 पार, 4 जून को 400 पार, 4 जून को 400 पार के मिशन में कर्नाटका की आप सभी मतदाताओं की बहुत बड़ी भूमिका है और इसलिए आखिर करें 400 सीटें की बात क्यों कर रहे हैं हम? ये 400 सीटें क्यों? विकसित भारत के लिए 400 पार। अब तमिलनाडु ये डिसाइड कर चुका है कि 19 अप्रैल को एक एक वोट बीजेपी को जाएगा, एनडीए को जाएगा। अब तमिलनाडु ये डिसाइड कर चुका है अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, डेवलप भारत के लिए 400 पार, डेवलप भारत के लिए 400 पार, डेवलप तमिलनाडु के लिए 400 पार, डेवलप तमिलनाडु के लिए, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी के लिए 400 पार। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, बहुत कुछ ऐसा है जो बोला नहीं जा रहा और जिसने बोला उससे बीजेपी ने पल्ला झाड़ लिया। 8 मार्च को कर्नाटक से बीजेपी सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा था कि संविधान में संशोधन करना होगा क्योंकि कांग्रेस के लोगों ने कुछ अनावश्यक बदलाव करके इसे मौलिक रूप से बदल दिया है, खासकर हिंदू समुदाय से जुड़े कानून। अगर ये सब बदलना है तो ये 2/3 बहुमत के बिना नहीं किया जा सकता। उन्होंने संविधान की प्रस्तावना में संशोधन के लिए आवश्यक संख्याओं को समझाते हुए कहा कि हमारे पास लोकसभा में 2/3 बहुमत है लेकिन राज्यसभा में नहीं। लोकसभा चुनावों में एनडीए को 400 से अधिक सीटें जीतने से राज्यसभा में बहुमत हासिल करने और 2/3 राज्यों में सत्ता में आने में मदद मिलेगी। हालांकि हेगड़े के बयान से बीजेपी ने खुद को अलग कर लिया और एक्स पर कहा कि ये हेगड़े के निजी विचार हैं, ये पार्टी के विचार को नहीं दिखाता। भाजपा देश के संविधान को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। हेगड़े से उनकी टिप्पणी के लिए स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। लेकिन इस विवाद के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर इस बारे में पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि भाजपा सांसद का बयान कि उन्हें 400 सीट संविधान बदलने के लिए चाहिए, नरेंद्र मोदी और उनके संघ परिवार के छिपे हुए मंसूबों का सार्वजनिक ऐलान है। नरेंद्र मोदी और भाजपा का अंतिम लक्ष्य बाबा साहेब के संविधान को खत्म करना है। बीजेपी को न्याय, बराबरी, नागरिक अधिकार और लोकतंत्र से नफरत है। समाज को बांटना, मीडिया को गुलाम बनाना, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर पहरा और स्वतंत्र संस्थाओं को पंगु बनाकर विपक्ष को मिटाने की साजिश से वो भारत के महान लोकतंत्र को संकीर्ण तानाशाही में बदलना चाहते हैं। हम आज़ादी के नायकों के सपनों के साथ ये षड्यंत्र सफल नहीं होने देंगे और अंतिम सांस तक संविधान से मिले लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। संविधान का हर सिपाही, विशेष रूप से दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक जागें, अपनी आवाज उठाएं, इंडिया आपके साथ है। नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर खरीद कर ये 180 पार नहीं होने जा रहा है सब मिलाकर। सोचो जो ये कहते हो 400 पार, तो बताओ घबराए क्यों हो? 400 पार वाले अपनी पुलिस को आगे क्यों कर रहे हो? झूठा प्रचार क्यों कर रहे हो? अपना विकास बताओ और पाओ 400, और अगर आपने विकास नहीं किया है तो इस बार 400 हार। जानकारों की माने तो 2/3 बहुमत भाजपा के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में एक देश एक चुनाव को लागू करने के लिए ये संख्या जरूरी है।
इतना ही नहीं, 2024 से 29 के लिए बीजेपी के एजेंडे में एक और बड़ा मुद्दा अगली जनगणना के बाद निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र द्वारा प्रस्तुत एक हलफनामे के मुताबिक परिसीमन से लोकसभा की संख्या 888 सदस्यों और राज्यसभा की संख्या 384 तक बढ़ने की संभावना है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।